शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दुल्हा दुल्हन के ख्वाब अधूरे शादी के मौके पर दुल्हा का बाप और दुल्हन की माँ ने ऐसा शर्मनाक काम कर डाला। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत में एक नौजवान लड़के लड़की की फरवरी के दूसरे हफ्ते में शादी होने जा रही थी कि दुल्हा का वालिद और दुल्हन की वालदा घर से भाग गए और नौजवान जोड़े का शादी का अरमान दिल में ही रह गया। ये वाकया भारतीय शहर सूरत में पेश आया जहां 10 रोज कबल दुल्हा का 48 साल वालिद दुल्हन की 46 साल वालदा को भगा ले गया और अब तक उनका कुछ पता नहीं चल सका कि वो कहां है। दुल्हा सूरत के इलाके गटरगुम और दुल्हन न्यू सिटी की रिहायशी थी। 10 रोज कबल अचानक दुल्हे का वालिद और दुल्हन की वालदा अपने अपने घर से गायब हो गए। दोनों के घर वाले अलग अलग ढूंढते रहे और फिर जब दोनों को एक दूसरे के बारे में मालूम हुआ तो ये मामला समझ गए। बताया गया कि घर से भागने वाले ये मर्द और औरत जवानी में एक दूसरे को पसंद करते थे। इतने वाला दुल्हा के वालिद का टेक्सटाइल और प्रॉपर्टी का कारोबार है और वो एक सियासी जमात का भी रुकन है और वो दुल्हन की वालदा गटरगुम में हमसाया हुआ करते थे। एक साथ ही वो पले बड़े। फिर दुल्हन की वालदा की शादी हो गई और वो ब्याह कर न्यू सिटी चली गई। अब जाकर उन दोनों ने पहले अपने बच्चों का रिश्ता किया लेकिन फिर उनकी शादी होने से पहले ही खुद भाग गए। उनके भागने के बाद बच्चों की शादी मनसूख कर दी गई। दोनों खानदानों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी जबकि दूसरी जानिब खबर के मुताबिक भारत में शोहर ने बीवी के सोशल मीडिया पर मशहूर होने और उसके गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात का शक होने पर उसे कत्ल कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर दें।